लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग में मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस का आपने देखा होगा कि हाल ही में जेपी भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस की ओर से जेपी भाई पटेल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस की ओर से संजय मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। अब क्या कुछ मुद्दा लेकर संजय मेहता लोगों के बीच जाएंगे, आखिर मुख्य मुकाबला किसके साथ होने वाला है, तमाम जानकारी हम संजय मेहता से ही लेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संजय मेहता किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए संजय मेहता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे संजय मेहता से और उनसे जानेंगे कि पहले तो संजय जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा जी, बताएं। मेरा पहला एकदम सवाल होगा कि क्या मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाइएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि झारखंड के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि लीडरशिप का जो स्किल है वो गांव गलियारे से निकलना चाहिए और दूसरी बात कि देश के सबसे बड़े पंचायत के भीतर झारखंड की आवाज और झारखंडियत की आवाज नहीं बुलंद हो पा रही थी और आपने देखा होगा कि जब झारखंड के विधेयक को जब 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात आई तो किस तरीके से राज्यपाल महोदय ने भी उसको रिजेक्ट किया और आज अगर झारखंड में आप देखेंगे सीएनटी एसपीटी के कानून को तो वो 9th शेड्यूल का कानून है, इसलिए यहाँ आज वो कानून है तो थोड़ी बहुत भी हमारी जमीनें संरक्षित है। तो ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ के स्थानीय नीति का जो एक विधेयक था अगर वो आज की तारीख में नकल में चला गया होता तो कम से कम अगर सदन में उसकी चर्चा हुई रहती तो झारखंड की देश के सबसे बड़े पंचायत तक पहुंची रहती, लेकिन ये बात लोकतंत्र के साइंस के सबसे बड़े मंदिर तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। तो हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं कि झारखंड की आवाज को देश के सबसे बड़े पंचायत के भीतर रख सके हम लोग। अच्छा आपका मुख्य मुकाबला किसके साथ होने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी से या फिर कांग्रेस से? देखिए फिलहाल तो मुकाबले में कोई हम लोगों को यहाँ दिख नहीं रहा है, हम लोग पूरे गांव गलियारे में घूम रहे हैं और आप मैं ये बात कोई ऐसा नहीं कि एक प्रत्याशी के तौर पर बहुत ही भावना में बह करके और बहुत ही आत्मग्रता में ये बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ये एक रैशनल बात कह रहा हूँ, बहुत ही फैक्ट के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप रैंडम आकर के हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में आप आइए तो सिर्फ आपको एक ही बात दिखाई पड़ेगी कि इस बार जो है हम लोग झारखंड और झारखंडियत को मतदान करने वाले हैं और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी उनके नेतृत्व कौशल को लेकर, उनके वाक शैली को लेकर, उनकी वाकपटुता को लेकर के और जो उनकी बेबाकी है उसको लेकर के पूरे झारखंड में एक अलग तरीके का माहौल बना है और पूरे झारखंड में लोग इस बात को लेकर के बहुत जागरूक हुए हैं कि इस बार हम लोग अपना सांसद अपने माटी के लोगों को बनाएंगे और जो लोग माटी के होने का दिखावा करते हैं और दिल्ली में जाकर के झारखंड की स्मिता और स्वाभिमान को बेचते हैं वैसे लोगों को हम लोग दरकिनार करेंगे, उनका तिरस्कार होगा। अच्छा संजय जी, कांग्रेस की ओर से जेपी भाई पटेल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है तो क्या लगता है कितना असर होगा उनके चुनावी मैदान में उतरने से? नहीं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है और मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि आज जितना बड़ा एक चेहरा टाइगर जयराम महतो झारखंड के अंदर बने हैं, आज पूरे गांव-गांव में मैं जा रहा हूं तो वो कह रहे हैं कि टिकलाल महतो की जो पॉलिटिकल लीगेसी है या फिर जो उनका राजनीतिक एक तरीके से जो सोच था उस सोच को टाइगर जयराम महतो ही झारखंड में आगे बढ़ा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात लोग कह रहे हैं कि वो उनके पुत्र हैं लेकिन वो विश्वास लोग टाइगर जयराम महतो के ऊपर दिखला रहे हैं और उनके पुत्र के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बार बार प्लेयर एक ही है लेकिन जर्सी बदल ले रहे हैं, तो इस तरह की बात गांव के लोग कह रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि असर कुछ नहीं होने वाला है, हाँ एक प्रत्याशी के तौर पर वो मैदान में रहेंगे लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो बहुत स्पष्ट है कि झारखंड और झारखंडियत को लेकर है। फिलहाल मैदान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैच बिल्कुल अभी तक एक तरफा है, आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। देखिए बीजेपी की ओर से भी पत्ते खोल लिए गए हैं और मनीष जायसवाल चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है मनीष जायसवाल के चुनावी मैदान में उतरने से क्या कुछ असर वहां पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए उनको शुभकामनाएं हैं लेकिन झारखंड के अंदर आपको एक बात समझना होगा कि विधायक का ही बेटा विधायक बन रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, विधायक ही सांसद बन रहा है, सांसद का बेटा ही सांसद बन रहा है और लगातार जो ये परिवारवाद की राजनीति है और एक ही घर तक जो राजनीति है इससे जनता उठ चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता ने साफ तौर पर हम लोगों को कहा है कि वास्तव में आप लोगों की लड़ाई जायज है, आप लोग गांव घर से निकले हुए लोग हैं, आप लोग साधारण घर से निकले हुए लोग हैं और आप लोगों के साथ पूरा आशीर्वाद है, पूरा साथ है और आपको विश्वास नहीं होगा दिन भर
जो मेरे कैंपेन में आ रहे हैं, आप देखेंगे अगर कभी आप आएंगे तो, पूरे कैंपेन के दौरान मुझे लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का इस तरीके का डोनेशन दे करके मदद कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई की लड़िए, हम लोग सारे लोग साथ हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो इमोशन है झारखंड के अंदर, उसको धनबल की ताकत से नहीं हराया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा इमोशन झारखंड के अंदर अभी जागा है। अच्छा, लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऐसा आपको क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में सांसद है उन्होंने क्या ऐसा काम नहीं किया है जिससे वहां के जो लोग है, जो जनता है, वो काफी आक्रोशित है? क्या आपको लग रहा है कि क्या ऐसा काम जो है वो नहीं किया है उन्होंने और वादा जो है अधूरा रह गया? नहीं नहीं, पहली बात तो ये थी कि जो हम लोगों का आंदोलन था, झारखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ के लोगों को टिकट दें। तो ये तो पहली जीत हम लोगों की हो गई कि हम लोगों के दबाव के कारण राष्ट्रीय राजनीतिक दलों पर एक दबाव बना और उन लोगों ने कम से कम, अब पहले उन लोग क्या करते थे कि उन लोगों के पिच पर हम लोगों को खेलना पड़ता था, आज वो हमारे पिच पर आकर के बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पिच पर आकर के खेल रहे हैं, आज वो स्थानीय लोगों को कैंडिडेट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोगों ने ये कहा कि अगर झारखंड बना है तो यहाँ के 81 विधानसभा सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर और 6 राज्यसभा के सीटों पर झारखंड के मूल निवासियों का अधिकार बनता है नेतृत्व करने का, और अगर ये नेतृत्व का अवसर यहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, जिसका मतलब कि झारखंडियों के साथ छल हो रहा है और इस बात का एक बड़ा असर पड़ा है और ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बाकी कार्य का आकलन तो वहाँ के लोग करेंगे, जनता करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिकट कटने का क्या कारण रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक एजेंडा हो सकता है, ये वो खुद समझेंगे कि क्यों उन्होंने उनका टिकट काटा है। तो मतलब आपने रोड मैप तैयार कर लिया, अगर जीत कर आते हैं संजय जी तो क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? देखिए, पहली हमारी प्राथमिकता है कि जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन को लेकर के पूरे हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ के लोगों की जमीनें ली गई हैं, बड़का गांव के गोंदलपुरा में देखिए अडानी जमीन लेना चाहती है और इन जमीनों को लेने के बाद जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी है वो नहीं लागू हो पा रही है, पुनर्वास की जो नीति नहीं लागू हो पा रही है और लोगों को कंपनसेशन की जो बात है, मुआवजे की जो बात है, उस मुद्दे पर भी स्पष्टता नहीं है और यहाँ के लोगों की जमीन लूटी जा रही है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि एक पहले यहाँ पे जिनका भी लैंड एक्वायर किया गया है, जितना भी लैंड एक्विजिशन हुआ है, उस पर हम लोग पहले उनको कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पे हम लोग काम करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि जमीन ही यहाँ के लोगों का बुनियाद है और उससे उनका ही जीवन संवरता है, बचता है, संरक्षित रहता है। क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपने किस्मत आजमाया है? नहीं, मैं इससे पहले चुनाव लड़ा हूँ। तो क्या कुछ फर्क दिख रहा है, आप ऐसे जा रहे लोगों के बीच में तो कोई फर्क दिख रहा है आपको? फर्क ये है कि लोगों के अंदर बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसी राजनीतिक चेतना आई है जिसमें लोग झारखंड और झारखंडियत को समझ रहे हैं, झारखंड गाइड की बात कर रहे हैं, झारखंडी स्मिता और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, झारखंड के आर्ट और कल्चर और ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, अपने माए माटी की बात कर रहे हैं, जल जंगल की बात कर रहे हैं और सब इसके लिए लालायित है कि वास्तव में हम अपने जल जंगल जमीन को संरक्षित रखना चाहते हैं, सिर्फ इसे एक नारे तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं और अपनी वोट की ताकत से इस बार वैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहते हैं जो झारखंड के संसाधनों को सिर्फ लूट रहे हैं। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी। बहुत शुक्रिया आपका।